हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं। और तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ, हार्टली फीलिंग्स पता करेंगे आपके पर्सन की, आपको लेकर क्या है उनके दिल में, एग्जैक्ट क्या है राइट नाउ आपको लेकर। तो बिना देर करे रीडिंग को बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। रीडिंग टाइमलेस है गाइस, जब भी यहाँ तक पहुँचो आप आराम से देखो। लेकिन जनरल प्रिडिक्शन है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। शिवलरी का कार्ड है पहला, द गार्डनर। गार्डनर का कार्ड है, इनर पीस, अबंडेंस, कमिटमेंट और डेटिंग का कार्ड है यहाँ पर। वर्थीनेस, देखो आपके अंदर वर्थ तो दिखती है इस पर्सन को, नो डाउट। इसके दिल में बहुत सारा रिस्पेक्ट है आपके लिए, लेकिन अभी ये पर्सन अपने इनर वर्क में बिजी हैं, जैसे कि इनर पीस। इसको पीस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन ये हार्डवर्क कर भी इसलिए रहे हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, ठीक है। अगर किसी भी वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है या आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, क्योंकि आप इसके लिए बहुत वर्थी पर्सन है। वर्थी एज इन द सेंस कि आप बहुत यूनिक हैं और आपसे जो वाइब मिलती है वो बहुत स्पेशल है। ये चाहते हैं आपको डेट करना, दिल से आपके साथ वक्त बिताना, डेट करना, आपके साथ घूमना, बाहर जाना, ठीक है। क्योंकि आपके साथ हर एक बिताया हुआ पल इसे पसंद आता है और कमिटमेंट तक का सोचा हुआ है इसने अपने दिल में आपको लेकर ना। तो यही चीज़ें दिख रही है कि ये पर्सन आने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को डेट करके एक दूसरे को और ज़्यादा पहचाने जाने अच्छे से, और देन जो भी रुकावटें हैं इस कनेक्शन में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और आप दोनों को एक अच्छा टाइम मिले एक दूसरे के साथ, ठीक है। और आप एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दें, चाहे आपकी शादी हो गई है। अगर आप दोनों के शादी में प्रॉब्लम्स हैं और आप बात नहीं करते हो, तो ये पर्सन मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं कि पहले वाला टाइम आ जाए और अच्छे से सब कुछ चले जैसे पहले था आप दोनों की ज़िंदगी में। इस तरीके से सोचते तो हैं ये पर्सन, दिल से सोच रहे हैं इस टाइम अभी राइट नाउ ना। देखो ये जो कार्ड है ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन शो कर रहा है, तो आपका इस पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। और यहाँ पर ग्रीनरी भी काफ़ी दिख रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, मैंने कहा ना ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि इस कनेक्शन को एक और चांस मिले और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं वो ख़त्म हो जाएं। सेपरेशन चल ही रहा है आप दोनों के बीच में, अभी सेपरेशन दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस कनेक्शन को एक चांस तो देना चाहते हैं ये पर्सन। इनके दिल में तो यही है कि इस कनेक्शन को एक चांस देंगे ताकि हार्मनी आए, हनीमून आए, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी अभी फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, इस वजह से भी ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते, आपसे बात नहीं कर पाते, लेकिन ये आपके लिए पैशनेट तो हैं। और यहाँ पे देखो विंग्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी है, तो ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, मतलब ये ट्रू कनेक्शन है, प्योर कनेक्शन है, क्योंकि ये विंग्स वाइट है। बट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यानी कि अभी कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट चल ही रहे हैं आपके इस कनेक्शन में, तभी ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पर भी एंजल के मतलब वाइट विंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पर भी, यानी कि वाइट कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये बहुत प्योर कनेक्शन है, काफ़ी प्योर कनेक्शन है, ठीक है। और इस कनेक्शन को चाहते हैं ये पर्सन के एक चांस दें। अच्छा एक चीज़ मुझे और दिख रही है गाइस, जैसे यहाँ पे मैं बहुत सारा वाटर देख रही हूँ और यहाँ पर भी पीछे थोड़ा वाटर दिख रहा है और माउंटेन पे दिख रहे हैं, बट वो थोड़ा छुपे हुए हैं। बट यहाँ पानी क्लियर दिख रहा है और पानी के ऊपर वाइट कलर की लाइट यानी कि सनलाइट पड़ रही है। अगर आपको ड्रीम में वाटर दिखा है, जो लास्ट आपको ड्रीम आया था उसमें भी, तो ये समझ लेना कि बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स आपके लव कनेक्शन पर आने वाली है। दिस इज़ द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा है। तो अगर किसी को भी अगर आपको ये वाटर दिखा है लास्ट ड्रीम में, तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है कि आपके कनेक्शन में जल्दी ही वो टाइम आएगा जब आप एक दूसरे को फिर से चांस दोगे और चीज़ें सारी की सारी ठीक हो जाएगी और सेपरेशन भी आपका ख़त्म हो जाएगा।
एक और कार्ड हमें मिला है, लर्निंग एंड फॉरगिविंग। थोड़ा सा आप भी पोलाइटली बात करा करो, अगर एक थोड़ा गुस्से में है तो दूसरे को थोड़ा सा पोलाइटली बात करनी चाहिए, माफ़ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, आपको डिवाइन क्लियर हिंट दे रहे हैं, और अगेन वाइट कलर इतना सारा दिख रहा है और ग्रीन कलर भी, तो डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, सो यू शुड वेट फॉर दिस पर्सन। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन खुद आपको बोल रहे हैं कि आप वेट कर सकते हो, क्योंकि जल्दी वो टाइम आएगा जब आप इस कनेक्शन को एक और चांस दोगे और फिर डेट भी स्टार्ट कर दोगे ना, डेटिंग वगैरह स्टार्ट कर दोगे, तो ये आप वेट कर सकते हो। अगर आपका दिल कह रहा है वेट करने के लिए तो बिल्कुल करो। अगर आपको लगता है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है तो बिल्कुल इनका वेट करो और मैनिफेस्ट करते रहो, चीज़ें ठीक हो जाएगी। गेटिंग टू नो ईच अदर, देन एज यू रिवील योर इनर मोस्ट लेव्स टू ईच अदर यू बॉन्ड डिपेंस। डिवाइन मौका देंगे आपको, क्यों भी देंगे, आप सोलमेट्स हो। ओके यस, दिस इज योर सोलमेट, सोलमेट कनेक्शन में हो आप, सो आप एक दूसरे को जान पाओगे। और घबराओ मत, डरो मत एक दूसरे से, सेपरेशन आया तो इट्स ओके, टोटली ओके, आता ही है सेपरेशन, कोई बहुत बड़ा कोई वो मेजर इशू नहीं होता, मेन होता है आपकी हीलिंग, बस उसको अच्छे से करते रहो तो आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी। देखो सन कार्ड, बट अभी शफल करना है, विक्ट्री भी था यहाँ पे, शफल करते हैं पर अच्छे से, फिर देखते हैं कुछ मैसेजेस अगर ये पर्सन की तरफ से आ रहे हैं आपके लिए। इनके दिल में तो बहुत सारा रिस्पेक्ट है, ये दिल से प्रेयर करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए इस कनेक्शन में, और आपको मिस भी करते हैं, बिल्कुल करते होंगे, इनका भी दिल टूटा हुआ है जैसे आपका दिल टूटा हुआ है ना, बट इसी को तो हील करना है आपको, यही तो करंट चैलेंज है आपके लिए, दोनों के लिए। मेडिटेशन करो, अगर हेडेक होता है या परेशान हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, या किसी भी तरह की नेगेटिविटी आ रही है सेपरेशन में, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। एंड फोकस ऑन योर वर्थ ओनली, फोकस ऑन योर बिजनेस, जॉब, करियर, जो भी आप कर रहे हो राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स, एंड अपनी हीलिंग आपकी ऐसे ही होगी और ये ब्रोकन हार्ट भी ऐसे ही हील होगा। सो मे बी आपके पर्सन भी यही चीज़ फॉलो कर रहे होंगे, बट आप दोनों के बीच में सब कुछ बंधा हुआ है अभी, ऐसा नहीं कि चीज़ें खत्म हो गई है, कनेक्शन आपका सिक्योर है, एंजल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पूरा पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन को, आपको, आपके पार्टनर की थिंकिंग को, सो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो करो ही मत ना, फिर करने की ज़रूरत नहीं है। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड यू मेक मी फील अलाइव। आप दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आप अपने पर्सन को अलाइव फील कराते हो, एंड वी हैव यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 6, ओके, एंड यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। आपने काफ़ी पैम्पर भी कर दिया है और आप वैसे इसकी सारी बातें मानते भी हो, बिकॉज यहाँ पर लिखा है यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन एंड यू नेवर गिव अप ऑन मी। इसको ये भी पता है कि आप कभी गिव अप नहीं करोगे, ये बात भी पता है। यू मेक मी फील सिक्योर एंड यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर माई स्ट्रेंथ। यू लिसन टू मी वेल, आप इसे बहुत अच्छे से सुनते हो, एंड यू डू सिली थिंग्स फॉर मी एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। मुझे यहाँ पे नंबर 2 दिखा है मैनी टाइम्स, ठीक है, तो नंबर 2 इज वेरी क्लोज टू मून, मून प्लैनेट, ठीक है, सैटेलाइट जो भी आप समझे कहें, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो हम इनको 9 ग्रहों में ही गिनती में आते हैं ये। सो मून बताता है थोड़ा सा डिसेप्शन, थोड़ी चीज़ें अभी हाइड है आप दोनों से एक दूसरे की, तो ये जैसे 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 आप हील होगे वैसे वैसे डिवाइन आपको मौका देगी कि आप अपने सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर करो, ठीक है, और लाइफ में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाओ। वैसे अभी भी आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये आगे चलकर और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। ओके तो गाइस, जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ आप मैनिफेस्ट करते रहिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अभी आप पूछिए, हो सकता है कि आपको यहाँ पर आंसर मिल जाए, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है उसका आंसर मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगी एंजल आंसर्स के थ्रू। ओके रिमेन पॉजिटिव, जो भी पूछा है आपने डिवाइन बोल रहे हैं रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो
और मेडिटेशन भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।